काबिल और श्रेष्ठ वह नहीं जो किसी कार्य को आरंभ करे, बल्कि वह है जो अंतिम पड़ाव तक ले जाकर पूर्ण करे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 31 मई और कल के करंट अफेयर्स यानी कि 30 मई 2021 और 31 मई 2021 के करंट अफेयर्स इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 30 मई को। तो 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया गया है। और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। तो यहाँ पे बात है गोवा राज्य की। आइए गोवा राज्य के बारे में जान लेते हैं। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। गोवा के कितने पड़ोसी राज्य हैं? दो। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा की लोकसभा सीट कितनी है? दो। राज्यसभा सीट कितनी है? एक। और विधानसभा सीट कितनी है? 40। फ्रेंड्स, आइए अब गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं। तो गोवा के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं ढालो, मोरिलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रौमत, गौफ, लैम्प, जागोर, कौरे ढीनो, शिगमो, धंगर, फुगड़ी, जिमोडा, मूसल, घोड़े मोड़नी, ये सभी नृत्य गोवा के हैं। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? 19 दिसंबर को। गोवा में प्रमुख स्टेडियम कौन कौन से हैं? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और तिलक मैदान स्टेडियम। और गोवा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सिलोलिम बांध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन में बात हुई थी वो हुई थी गोवा के स्थापना दिवस की, जो कि 30 मई को मनाया गया है। तो अब मैं आपको टॉप 5 राज्यों के स्थापना दिवस बता देती हूँ। त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 में। मणिपुर की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 में। और मेघालय की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 40 करवाऊंगी, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगला क्वेश्चन करते हैं, देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए BVR सुब्रमण्यम। तो जो BVR सुब्रमण्यम है, ये देश के नए वाणिज्य सचिव यानी कि कॉमर्स सेक्रेटरी बने हैं। और फ्रेंड्स, IAS BVR सुब्रमण्यम को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में सचिव नियुक्त किया गया है। और जो BVR सुब्रमण्यम है, ये 30 जून 2021 से इस पद पर नियुक्त होंगे और ये अनूप वधावन की जगह लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 नियुक्तियाँ करंट अफेयर्स बता देती हूँ। भारत के नए वित्त सचिव कौन हैं? TV सोमनाथन। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? सुशील चंद्रा। BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन है? वैशाली हिवासे। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? अजय सेठ। संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव कौन हैं? ज्ञानेश कुमार। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का लाइक का टारगेट है 10,000 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी कि IBF का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन यानी कि IBDF। तो हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है। ऑफेंस ब्रॉडकास्टर का शीर्ष संगठन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने अपने दायरे का विस्तार कर डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं को शामिल कर रहा है और इसीलिए अब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है। तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है। तो अब मैं आपको टॉप 5 बदले के नाम करंट अफेयर्स बता देती हूँ। कर्नूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? उलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर। रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? शोएब अख्तर के। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ने होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? नर्मदापुरम। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल जंक्शन।
फ्रेंड्स, इस वीडियो का डिटेल वाला पीडीएफ आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। सांग यिन हिंग माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं, बताइए यह किस देश की हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, हांगकांग की। तो जो सांग यिन हंग है, ये माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं और ये हांगकांग की रहने वाली हैं। और सांग यिन हंग ने 25 घंटे और 50 मिनट के रिकॉर्ड के समय में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है और इसी के साथ वे माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। तो अब मैं आपको दुनिया का पहला इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? न्यूजीलैंड। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता यानी कि RCEP को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? सिंगापुर। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्निफर को किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने मेंढक के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जेनोबोट्स को बनाया है? आंसर है अमेरिका के। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कहाँ बनाया गया है और जिसका नाम है चिनाब ब्रिज? ये बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, हमारी जैन, फेब, मार्च और अप्रैल की करंट अफेयर्स की ईबुक लॉन्च हो गई है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह ईबुक आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी और जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 29 मई को। तो 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया गया है। तो आइए जान लेते हैं इस दिवस को क्यों मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पाचन संबंधी रोग या विकार के विषय में जन जागरूकता बढ़ाना है। और विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2021 की जो थीम है वो है ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट 10 डेज बता देती हूँ। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 2 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया है? 2 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 4 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? 5 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया है? 5 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? 10 अप्रैल को। विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया गया है? 11 अप्रैल को। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 12 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? 11 अप्रैल को। और विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? 15 अप्रैल को। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का चैनल लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है A to Z करंट अफेयर्स, आप इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा। युवा प्रधानमंत्री योजना को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो युवा प्रधानमंत्री योजना को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको युवा का पूरा नाम बता देती हूँ। युवा की फुल फॉर्म है यंग, अपकमिंग एंड वर्साटाइल ऑथर्स। और शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना को शुरू किया है। फ्रेंड्स, आइए अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य भी जान लेते हैं। यह योजना युवा और नवोदित लेखकों यानी कि जो 30 ईयर से कम के हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है और इस योजना के तहत पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन में बात हुई थी वो हुई थी युवा प्रधानमंत्री योजना की, जिसको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अब मैं आपको टॉप 5 योजना करंट अफेयर्स बता देती हूँ। सहेली समन्वय योजना को किसने शुरू किया है? नई दिल्ली ने। कहाँ की सरकार ने प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना को लॉन्च किया है? आंसर है जम्मू। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ की सरकार ने अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को शुरू किया है? राजस्थान। और कहाँ की सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना को शुरू किया है? आंसर है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन करते हैं। सुब्रत भट्टाचार्य जी को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चिली देश में। तो जो सुब्रत भट्टाचार्य जी हैं, इनको चिली देश में इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सुब्रत भट्टाचार्य जी हैं, ये वर्तमान में सर्बिया में इंडियन एम्बेसडर हैं। तो यहाँ पे बात है चिली देश की, क्योंकि सुब्रत भट्टाचार्य जी को चिली देश में इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
आइए चिली देश के बारे में जान लेते हैं। चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। चिली देश की करेंसी पैसो है और जो चिली के राष्ट्रपति हैं उनका नाम सेबास्टिन पिनेरा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा संगठन स्टेडफास्ट डिफेंडर 2021 वार गेम्स सैन्य अभ्यास को आयोजित कर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नाटो। तो जो नाटो है ये स्टेडफास्ट डिफेंडर 2021 वार गेम्स सैन्य अभ्यास को आयोजित कर रहा है। और रूस देश के साथ तनाव बढ़ने पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो ने यूरोप में स्टेडफास्ट डिफेंडर 2021 वार गेम्स सैन्य अभ्यास को आयोजित किया है। ऑफेंस इस युद्ध अभ्यास में नाटो सैनिक और युद्धपोत ने भाग लिया है और यह अभ्यास पूरे अटलांटिक, यूरोप और काला सागर क्षेत्र में हो रहा है। और इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सभी देशों में आपसी सहयोग और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। तो यहाँ पे बात है नाटो की। नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। और नाटो के महासचिव कौन है? जेंस स्टॉल्टेनबर्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने। तो पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है। आइए इस योजना का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। इस योजना के तहत गरीब परिवार में ऐसी महिलाएं जो घर की मुख्य हैं उनको 500 रुपये प्रति महीना भत्ता दिया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा ताकि फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सके। तो इस योजना को शुरू किया है। आइए पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश कौन है? TBN राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट कितनी है? 42। राज्यसभा सीट कितनी है? 16। और विधानसभा सीट कितनी है? 294। पश्चिम बंगाल के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 5। कौन कौन से हैं? असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के कितने पड़ोसी देश हैं? 3। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु कौन सा है? फिशिंग कैट। राजकीय पक्षी कौन सा है? किंगफिशर। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? डेबल वृक्ष। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है ये किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? आंसर है पश्चिम बंगाल में। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। फ्रेंड्स आइए पश्चिम बंगाल में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं ये भी जान लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दोनों हवाई अड्डे पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। और पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नियोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? फरक्का बांध, दुर्गापुर बांध और कनंगसाबती बांध। पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? दुर्गा पूजा। और फिर जो कर्क रेखा है ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के टोटली 8 राज्य से होकर निकलती है। और फ्रेंड्स मैं आपको जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये सब अपने आप में क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स आपको मोस्टली क्वेश्चंस हमारी वीडियो से ही देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, UAE का गोल्डन वीजा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, संजय दत्त। तो संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा हासिल करने वाले जो पहले भारतीय अभिनेता बने हैं वो बने हैं संजय दत्त। और फ्रेंड्स संयुक्त अरब अमीरात में ये जो गोल्डन वीजा है ये हर किसी को नहीं दिया जाता और यह एक ऐसा वीजा है जो खास वैश्विक हस्तियों को ही दिया जाता है। यह गोल्डन वीजा 10 साल के लिए जारी किया जाता है। और फ्रेंड्स जो इसका नवीनीकरण है वो अपने आप हो जाता है। और जो संजय दत्त भारतीय अभिनेता हैं ये UAE देश का गोल्डन वीजा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। तो आइए UAE देश के बारे में जान लेते हैं। UAE का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त अरब अमीरात। UAE किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी। UAE की करेंसी क्या है? UAE दिरहम। UAE के राष्ट्रपति कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। UAE के दुबई शहर में कौन सा किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जिसकी ऊंचाई
829.8 मीटर है। ये किस देश में स्थित है? यूए के दुबई शहर में। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? यूए। आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किया गया था? यूए देश में। और यूए देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ जायद, इस सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सीएनआर राव को। तो अंतर्राष्ट्रीय ईएनआई अवार्ड 2020 से सीएनआर राव को सम्मानित किया गया है। आइए जान लेते हैं इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत रत्न प्रोफेसर सीएनआर राव को इंटरनेशनल ईएनआई अवार्ड, जिसे कि फ्रेंड्स एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल ईएनआई अवार्ड है, इस अवार्ड को एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और सीएनआर राव को यह पुरस्कार अक्षय ऊर्जा स्रोतों में अनुसंधान के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन करें हैं, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 29 मई को। तो 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया है। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। यह दिवस हर साल माउंट की पहली चढ़ाई की याद में मनाया जाता है। ऑफेंस 29 मई 1953 को एवरेस्ट की चढ़ाई न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा ने की थी, और यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। ऑफेंस 2008 में नेपाल सरकार ने इस दिन को, यानी कि 29 मई को, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस को मनाने का फैसला किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyiqgk.com। और वीडियो आपको कैसी लग रही है, मेरा आपको पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। तो अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 30 मई को। देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? बीवीआर सुब्रमण्यम। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। सांग यिनहंग माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है, बताइए यह किस देश की है? आंसर है हांगकांग की। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 29 मई को। युवा प्रधानमंत्री योजना को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। सुब्रत भट्टाचार्य जी को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? चिली देश में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन स्टेडफास्ट डिफेंडर 2021 वार गेम सैन्य अभ्यास को आयोजित कर रहा है? आंसर है नाटो। किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है? आंसर है पश्चिम बंगाल। यूए का गोल्डन वीजा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? संजय दत्त। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? सीएनआर राव को। लास्ट क्वेश्चन करें रिवीजन का, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? 29 मई को। फ्रेंड्स मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 40 करवा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया। और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। सन सिटी कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। और ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया देश में। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर है बोत्सवाना में। लास्ट क्वेश्चन करें स्टैटिक जीके का, विश्व में शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है टुंड्रा। फ्रेंड्स हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 40 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं टेस्ट की। मैंने आपको जो सैटरडे को यानी कि 29 मई को जो क्वेश्चंस करवाए थे, आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है?
चार ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, आश्रिता वी ओलेटी। स्मार्ट किचन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल की। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अमर्त्य सेन को प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरीज अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है, बताइए यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन देश का। बशार अल असद किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सीरिया देश के। विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 28 मई को। हाल ही में ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। किस फुटबॉल क्लब ने यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विलारियल ने। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के जिलों में उचित देखरेख के लिए अभिभावक मंत्रियों को नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, असम। सशस्त्र बलों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए सेहत ओपीडी पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 28 मई को। फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और डेली स्टैटिक जीके का सेट 40 कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।